मेरी मानो तो झूठ मत बोलो, मेरी मानो तो वहाँ मत जाओ, मेरी मानो तो उस आदमी से बात मत करो, मेरी मानो तो वर्ड्स याद करो। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहाँ हम कहते हैं मेरी मानो तो ये करो, या मेरी मानो तो वो करो, या मेरी मानो तो ऐसा करो, मेरी मानो तो वैसा करो। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है जहां आप कहते हैं मेरी मानो तो ऐसा करो या मेरी मानो तो वैसा करो। जैसा कि यहां पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मेरी मानो तो इंग्लिश सीख लो। तो अगर आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप दूसरे पार्ट को ट्रांसलेट करें, यानी आप सबसे पहले ट्रांसलेट करें कि इंग्लिश सीख लो, उसके बाद आप ट्रांसलेट करेंगे मेरी मानो तो। कैसे, आइए इस बात को एग्जांपल्स में बेहतर तरीके से समझें। मेरी मानो तो इंग्लिश सीख लो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लर्न इंग्लिश, यानी इंग्लिश सीख लो, मेरी मानो तो इफ यू ओबे मी। तो पूरी बात ऐसी होगी, लर्न इंग्लिश इफ यू ओबे मी, यानी मेरी मानो तो इंग्लिश सीख लो, मेरी मानो तो वहाँ मत जाओ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डोंट गो देयर इफ यू ओबे मी। मेरी मानो तो झूठ मत बोलो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डोंट टेल अ लाई इफ यू ओबे मी, यानी मेरी मानो तो झूठ मत बोलो, मेरी मानो तो वर्ड्स याद करो, लर्न वर्ड्स इफ यू ओबे मी। मेरी मानो तो पैसा बचाओ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सेव मनी इफ यू ओबे मी। मेरी मानो तो यहाँ इंतजार मत करो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डोंट वेट हियर इफ यू ओबे मी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि जब आपको कहना हो मेरी मानो तो ऐसा करो, मेरी मानो तो वैसा करो, मेरी मानो तो यह करो, मेरी मानो तो वह करो वाले सेंटेंसेस को आप ऐसे ट्रांसलेट करके बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसे साइक्रो टॉपिक जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।